18 सितंबर को होने वाले असेंबली इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में कुलगाम पुलिस की जानिब से नाके चेकिंग कायम करके जिले में अमन अमान बरकरार रखने के समेत में एक अहम कदम उठाया है। ये चौकियां एसएसपी कुलगाम साहिल सरंगल की तरफ से फराहम करदा रहनुमा खतूतों के तहत कायम की गई है, जिसका मकसद इंतखाबी अमल के लिए महफूज और महफूज माहौल को यकीनी बनाना है। कैमू में खासतौर पर कायम किए गए नाकों को डीवाईएसपी राजेश कुमार और एसएचओ कैमू किशाब कुमार और इनकी निगरानी में किया गया है। अफसरों ने सरगर्मियों की कड़ी निगरानी की, इस बात को यकीनी बनाया कि इंतखाबात में आसानी से और मौसर तरीके से अंजाम दिया जाए। इस तरह किसी भी मशकूक सरगर्मियों में चौकसी नजर रखनी जा रही है। हम आपको बताएं कि यहाँ गाड़ियों की तलाशी जगह जगह की जा रही है। दरअसल कुलगाम पुलिस के इस तरह के फाल इकदाम बाशिंदों में तहफ्फुज़ के एहसास को फरोग देने और इंतखाबात के दौरान पुरअमन माहौल को यकीनी बनाने में अहम है। हुकाम ने इस बात पर जोर दिया है कि ये कोशिश इस नाजुक वक्त में अमन को बरकरार रखने और जमहूरी असूलों को बरकरार रखने के लिए एक बड़ी हिकमत अमली का हिस्सा है। कुलगाम पुलिस ने आवाम को इंतखाबी अमल की सलामती के तहफ्फुज़ और तमाम शहरियों के लिए एक हमवार और महफूज वोटिंग के तजुर्बे को यकीनी बनाने के लिए अपना अजम का यकीन दिलाया है।